नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है बॉलीवुड एंड जेमलॉजी। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है ये 13वां एपिसोड है, बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है बॉलीवुड एंड जेमलॉजी। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि रत्न दो प्रकार से पहने जाते हैं। अब दो प्रकार से कैसे पहने जाते हैं इस चीज को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मैं बता देना चाह रहा हूं कि एक रत्न वो है जो हाथों में पहने जाते हैं, हाथों की अंगूठियों में आप उन्हें जड़ के बनवा के डालते हैं, और दूसरे रत्न कौन से हैं जो गले में पेंडेंट के तौर पे, ज्वेलरी के तौर पे पहने जाते हैं, इसको एयररिंग के तौर पे भी पहना जाता है। अब मैं इस चीज को और क्लियर करता हूं। जैसे हमारी सीरीज चल रही है बॉलीवुड एंड जेमलॉजी, तो दोस्तों मैं आज आपको बता देना चाह रहा हूं सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में आप क्लियर हो जाएं। प्राचीन काल के अंदर राजे महाराजे अपने जो उनके रत्न होते थे वो अपने मुकुट के अंदर लगाते थे, और जो उनकी रानियां होती थी, पत्नियां होती थी, उनको वह रत्न बहुत बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी यानी आभूषणों के तौर पे गले में उनको पहनाए जाते थे। इसके बहुत सारी मिसालें हमारे ग्रंथों के अंदर आपको मिलेंगी। तो बात कर रहे हैं आज के युग के अंदर बॉलीवुड के अंदर क्या ऐसे कोई एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने रत्नों को गले में भी पहन रखा है। तो दोस्तों आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं इसमें बहुत सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं, बहुत सारे। मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि ये वो चेहरे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा नेम फेम वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला नाम मैं बताने जा रहा हूं, माधुरी दीक्षित जी ने भी पन्ना पहन रखा है। उसके बाद दूसरा नाम प्रीति जिंटा, ज्वेलरी भी पहनी है उन्होंने, पन्ना भी पहना है, बहुत ही प्यारा पन्ना। इसके बाद नाम ले रहे हैं रवीना टंडन, इन्होंने भी ज्वेलरी भी पहन रखी है, गले में नेकलेस और पन्ना भी पहन रखा है। इसके बाद नाम लेने जा रहा हूं दीपिका पादुकोण रखी और गले में पेंडेंट भी पहन रखा है। तो दोस्तों इसके अगला नाम है प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने रिंग भी पहन रखी है। इसके बाद अगला नाम लेने जा रहा हूं शिल्पा शेट्टी, इन्होंने पन्ना पहन रखा है। तो दोस्तों इसके बाद अगला नाम है दीपिका पादुकोण, बहुत ही प्यारा नेकलेस आप देखेंगे। इसके बाद अगला नाम लेने जा रहा हूं ट्विंकल खन्ना, इन्होंने भी पन्ने का बहुत भारी भरकम नेकलेस और डायमंड्स। इसके बाद अगला नाम लेने जा रहा हूं दिया मिर्जा, इन्होंने भी बहुत अच्छे से पन्ने पहन रखे हैं। करिश्मा कपूर, बहुत ही प्यारा पन्ना देखेंगे आप। सोनाली बेंद्रे, इन्होंने भी पन्ने का रिंग भी पहनी थी। और दोस्तों जैसे मैंने बताया है कि पन्ने के जो लवर्स हैं, पन्ने को जो चाहते हैं, ये राशियों के अकॉर्डिंग है, ये नहीं है कि आपका दिल करा आपने डाल लिया, नहीं, ये राशियों के अकॉर्डिंग है। और ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। अभी जिन लोगों ने ये सीरीज मिस करी है लास्ट एपिसोड देखें, और उनको पता लगेगा कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रू लवर्स बैठे हुए हैं जो रत्नों को लाइक करते हैं। तो ये जो एपिसोड था मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और इस तरफ आप देखिएगा ध्यान से, इसमें हमारा नंबर चल रहा है 9876726492। हमारे ऑल सर्च इंजन जिसमें ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, और इसमें एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर, ये वो नंबर है, कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप जान सकते हैं अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में, उनको कौन सा नगीना, कौन सा रत्न, उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। किसी कारणवश आपके पास उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, जब आपके पिताजी हो, माताजी हो, या घर में दादी हो, या व्हाटएवर जो भी हो, जिनके पास सही भी नहीं है, तो दोनों हाथों की लकीरों का फोटो इस नंबर पे भेजिएगा। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। हमारी ओर से आपको एक प्रोसीजर आएगा, यू कैन फॉलो द प्रोसीजर, आप उसे फॉलो कर ले, मैं बताऊंगा आपको ईच एंड एवरीथिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो गाइडलाइन मैं दूंगा जो बॉलीवुड सेलेब्स हमसे गाइडलाइन ले रहे हैं। तो दोस्तों मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।